अगर देखा जाए तो दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता। हमें नहीं पता कि हम उन तक कैसे पहुंचे, या ऐसी चीज़ें जिन तक बहुत कम लोग पहुंच पा रहे हैं, या वो सर्चिज जिनको करने के बाद हम अपना जो काम है वो आसान से आसान तर कर सकते हैं। और दूसरी रही बात गूगल पर सर्च करने की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमने गूगल पर सर्च किस तरह से करनी है। अगर हम फर्ज करें आईटी के रिलेटेड गूगल पर सर्च करना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए जिनको गूगल पर सर्च करके हम ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं वो हंट कर सकें। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमने कौन कौन से जो क्लाइंट्स हैं वो पिक करने, कौन से क्लाइंट्स हमें रिस्पॉन्स करेंगे, किन की तरफ से जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा और रिस्पॉन्स रेट जो बहुत ज़्यादा होगा। तो मैंने आपको सारी के सारी जो चीज़ें थी प्रीवियस वीडियो में बताई, तो अगर किसी ने नहीं देखी तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर वो आप वीडियो देखेंगे तो ही आपको इस वीडियो की बेहतर तरीके से समझ आ सकेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर, आज के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पर तो हम आ चुके हैं, और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि आज हम सीखेंगे कि हमने टेक्निकल इंडस्ट्री के रिलेटेड जो क्लाइंट्स हैं वो कैसे फाइंड करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि हेल्थ के रिलेटेड या फूड के रिलेटेड आपको बताऊँ कि हम कौन कौन से सर्चेस करके इन इंडस्ट्रीज के रिलेटेड जो क्लाइंट्स हैं वो फाइंड कर सकें और लेटेस्ट जो क्लाइंट्स हैं वो निकाल सकें। अगर इन चीज़ों से भी आपका दिल ना भरे तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं हम जो है वो डिटेल से भी बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग वीडियो कंप्लीट नहीं देखते। अगर आप लोग पर्सनली हमारे पास आके सीखते हैं तो यही जो चीज़ें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में और आगे जाके हम बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर सीखने को मिल जाए। क्योंकि आप लोग जो वीडियो देखते हैं उसका जो हम वीडियो रिस्पॉन्स रेट देखते हैं तो वो बहुत ही कम होता है। अगर वीडियो 15 मिनट की है, 20 मिनट की वीडियो है, तो रनिंग टाइम जो निकाल के देखते हैं वो तकरीबन 3 मिनट या 4 मिनट बनता है पर पर्सन के लिहाज से। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो वीडियो का वही पार्ट देखते हैं जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद है, और बाकिया जो बातें वाकई ही में समझने वाली हैं उनको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ पर्सनली हमारे पास आके सीखें या ऑनलाइन हमसे जूम पर क्लासेस लें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गूगल का जो एडवांस कोर्स है हम वो आपको करवा देंगे और उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने खुलकर आ जाएंगी, क्योंकि आप लोग यहाँ पर ब्रीफली और डिटेल से नहीं देखते, क्योंकि फ्री की चीज़ है ना तो आप लोग कदर नहीं करते। तो हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ कि हमने टेक्निकल इंडस्ट्री के रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड जो सर्च करने हैं और उसके रिलेटेड जो आइडियाज हैं वो हम कहाँ से लेंगे। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर रखा है गेट क्लाउड सर्विसेज इन यूके, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, सारी की सारी मैंने डिटेल से ब्रीफली मैंने डिस्कस भी की थी कि हमने इन कीवर्ड्स को सर्च करने के बाद किन किन वेबसाइट्स को ओपन करके उनके अंदर से क्लाइंट्स वो निकालने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट क्लाउड सर्विसेज इन यूके, ये वाला कीवर्ड मैंने सर्च किया, सबसे पहला ये वाला कीवर्ड आता है। इसके अलावा और काफ़ी सारे कीवर्ड हैं जो कि आते हैं, जो कि हम सर्च कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखिए गेट क्लाउड सर्विसेज इन यूके मैंने लिखा, मेरे ख्याल से एक कीवर्ड आप लोगों के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि इन यूके आपने देखा, उसके बाद आप इन ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं, इन जापान कर सकते हैं, इन चाइना कर सकते हैं, इन यूएस कर सकते हैं। तो आपने अपना माइंड लगाते चले जाना, कीवर्ड एक ही रहेगा, हर बार आप कंट्री को चेंज करते चले जाएं और आप क्लाइंट्स हैं वो निकालते चले जाएं। इसी तरह ये वाला कीवर्ड आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा एक और कीवर्ड मैंने सर्च कर रखा है, वो है मशीन लर्निंग सर्विसेज। मशीन लर्निंग सर्विसेज आप इसके रिलेटेड भी सर्च करें, लेकिन आप इसको अगर अदर कंट्रीज़ में टारगेट करवाएँ तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ यूएसए, यू मैंने लिखा, तो ये देखें यूएसए, ठीक है। तो आप देखें इसको अदर जो कंट्रीज़ में भी आप इसको टारगेट करवा सकते हैं मशीन लर्निंग में। अब मैंने कीवर्ड सर्च किया तो जो जो भी वेबसाइट्स आएंगी, मैंने बोला था कौन कौन सी वेबसाइट्स आपने ओपन करने जिनका रैंक कम है या ज़्यादा कौन सी वाली, तो प्रीवियस वीडियो में जाएँ, डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो आप उसको भी फॉलो करें। अगर सिंगल वीडियो का लिंक है तो आप उसको फॉलो करके हमारी जो प्रीवियस वीडियो वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आके क्लाइंट्स को उठाएंगे, क्लाइंट्स को फाइंड करेंगे, ऐसे क्लाइंट्स जो कि वाकई में सर्विसेज के हकदार हैं, हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं या उनको वाकई में हमारी सर्विसेज की नीड है, तो हम उनको उठाएंगे, उठाने के बाद उनकी ईमेल पिक करके हम उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो भी बंदा जिस भी फील्ड में काम कर रहा है, अगर वो चाहता है कि मैं लोगो डिज़ाइन के रिलेटेड क्लाइंट्स निकालना चाहता हूँ, तो वो भी इसी तरह से सर्च कर सकता है। अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई वेब डेवलपर है, वो भी इसी तरह से सर्च कर सकते करके क्लाइंट की वेबसाइट्स ओपन करके उन तक पहुंच सकता है, तो अपने काम के रिलेटेड उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है जिनकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं बना हुआ। इसी तरह हम आएंगे आगे, मैंने कीवर्ड सर्च किया है AI सॉल्यूशन सर्विसेज, मींस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का आप बेहतर समझ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने कीवर्ड सर्च किया, अब मैंने लिखा AI सॉल्यूशन सर्विसेज, सिंपल कीवर्ड मैंने सर्च किया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दूँगा, मींस के इन मैं कर दूँगा, मैं कर देता हूँ यहाँ पर, चले मैंने USA कर दिया, UAE आ गए, UK भी आ गए, देखें USA पहले नंबर पर आ रहा है, तो मैं इसको ले लेता हूँ USA को। तो
यहाँ पर मैंने यूएसए को कर दिया सर्च, तो यहाँ पर अब जो रिजल्ट आ रहा है और पहले जो आ रहा था उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसी तरह जब भी आप कंट्री चेंज करते चले जाएंगे तो आपके सामने हर बार जो रिजल्ट है वो डिफरेंट से डिफरेंट आता चला जाएगा। इसी तरह एक और कीवर्ड हमारे पास आता है, वो यहाँ पर मैंने लिखा गेट ऑनलाइन ब्लॉक चेन सर्विसेज। सिंपल मैंने कीवर्ड को सर्च किया, करने के बाद आप इसी तरह इसके साथ कंट्री को हर बार चेंज करते चले जाएंगे और इसके रिलेटेड जो क्लाइंट्स हैं, जो कंपनीज आप उन तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते चले जाएं तो हमारे पास आता है जी डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज। ये एक ऐसा कीवर्ड है, इसके इस पर अगर आप काम करेंगे तो आपको जो क्लाइंट्स हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे हर सूरत में। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आपको ये करना पड़ेगा कि आपने इसको जो अदर कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज़, आपने इस कीवर्ड को वहाँ पे टारगेट करवा के उन कंट्री से आपने क्लाइंट्स निकालने। इसी तरह यहाँ पर आगे बढ़ता चलूँ तो यहाँ पर आ गया साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज। इस पर भी बहुत सारे आपको जो क्लाइंट्स हैं वो मिलते हैं, अगर आप लोग मार्केटिंग करते हैं, गैस पोस्टिंग का काम करते हैं, तो बहुत सारे आपको क्लाइंट्स इन कीवर्ड्स पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आती हैं जो कि हमें, जिनका जो टाइटल हमें शो हो रहा था टॉप 10, टॉप 20, टॉप 15, ठीक है, इतना आता है कि ये बेस्ट कंपनीज है, तो आपने उन जो आर्टिकल्स उनको ओपन नहीं करना, वो मोस्टली आगे ब्लॉगिंग की साइट्स निकलती, तो आपने जस्ट वो वाली साइट्स पिक करने जिन पर सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जा रही हैं। इसी तरह यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ गया मैनेज आईटी सर्विसेज, ठीक है, मैनेज्ड आईटी सर्विसेज आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस कीवर्ड को लेके भी सर्च करेंगे। अब यहाँ पे आपके जहनों में ये सवाल आएंगे कि हमने इनके रिलेटेड जो आइडियाज़ हैं वो कहाँ से लेने हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पर नेक्स्ट कीवर्ड पर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज। आगे आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, मींस कि आप यहाँ पर इसको लेके जा सकते हैं। ये देखें यूएसए आ रहे, यूके आ गए, कोई भी ऑस्ट्रेलिया में टारगेट करवाना चाह रहे हैं, देखें इस कीवर्ड पर आप देखें हमें ऐड वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वहाँ पर आईटी कंसल्टिंग के रिलेटेड कितना ज़्यादा काम हो रहा है। तो अगर हम उन इंडस्ट्रीज़ को पिक करेंगे जो कि वाकई में एक्टिव हैं, काम करवा रही हैं, वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर इस तरह से हम डिफरेंट कंट्रीज़ को लगा के सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखें मोस्टली जो वेबसाइट्स आ रही हैं, देखें डॉट यूएस आ गए, तो जितनी भी साइट्स यहाँ पर निकलेंगी वो बाहर की आएंगी, लेकिन आपने वहाँ यहाँ से उन्हीं साइट्स को सिर्फ पिक करना है जिनका रैंक जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो प्रीवियस वीडियो लाजमी देखिएगा, उसमें आपको सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियरली पता चल जाएंगी। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमने इन कीवर्ड्स के रिलेटेड आइडियाज़ कहाँ से लेने हैं, तो सिंपल आप कीवर्ड सर्च करें, सर्च करने के बाद आपने एक तो इस चीज़ का, इस चीज़ से आपने ले लेना, यहाँ पर एक टूल मैं यूज़ करता हूँ, उसका नाम है जी कीवर्ड एवरीवेयर। ये आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है, जैसे आप करेंगे तो डेली की आपको आई थिंक 10 जो सर्चेज है वो देता है। तो यहाँ पर देखिएगा इसने रिलेटेड कीवर्ड जो है वो मुझे बता दी, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज ये देखें आगे नहीं यूके, अब ऊपर जो कीवर्ड आ रहा है वो देखें यहाँ पर, ये हमें क्या शो करा रही है, देखें कह रहा है यूके क्लाउड मार्केट, और हमें कीवर्ड मिल गया यहाँ पर देखिए क्लाउड कंसल्टिंग कंपनीज यूके आ गया, यहाँ पर देखिए क्लाउड मार्केट शेयर यूके आ गया, क्लाउड सॉल्यूशन कंपनी आ गया, क्लाउड अडॉप्शन स्टैटिक्स यूके आ गया, यहाँ पे लास्ट में देखें यूके क्लाउड मार्केट 2022 आ गया, तो आप 2023 भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम लास्ट में जाते हैं तो गूगल भी हमें सारी की सारी चीज़ें बता रहा है। अगर आप टूल ऐड भी नहीं करेंगे, एक्सटेंशन ऐड नहीं करेंगे, तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे देखिएगा लास्ट में हमें गूगल भी सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं रेकमेंड कर रहा है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखिए मशीन लर्निंग पे अगर आते हैं तो लास्ट में जाते हैं तो हमें यहाँ पर गूगल जो है वो भी दे रहा है। यहाँ पर देखिए मशीन लर्निंग सर्विसेज प्रोवाइडर आ गया, हमें थोड़ा सा डिफरेंट कीवर्ड देखने को मिल गया, तो जैसे जैसे हम कीवर्ड ट्राई करते चले जाएंगे तो हर बार हमें जो रिजल्ट है वो डिफरेंट देखने को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा आ गया मशीन लर्निंग एजेंसी आ गया। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज इन यूएसए, यानी कि उसी के रिलेटेड ही हमें कीवर्ड जो देखने को मिल गया। आपने इसी तरह से कीवर्ड को सर्च करना, सर्च करने के बाद नीचे जो भी आइडियाज़ मिल रहे हैं आप उन कीवर्ड्स को उठाएं, सेव करें। यहाँ पे देखिएगा आ गया एआई सॉल्यूशन, आगे इंक आ गया, यहाँ पर देखिएगा एआई सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारी जो है कंपनीज़ का नेम भी साथ में आ गया। देखें एआई डेवलपमेंट सर्विसेज आ गया, यहाँ पे देखिएगा AI Solutions Address, यहाँ पर देखिएगा Solutions for Business, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। इसी तरह यहाँ पर आ गए हैं गेट ऑनलाइन ब्लॉकचेन में, तो लास्ट में हमें काफ़ी सारे जो कीवर्ड्स हैं वो भी गूगल की तरफ से रेकमेंड किए जा रहे हैं। तो हम इसी तरह से जितने भी कीवर्ड्स हैं, जो जो मैंने आपको सर्चेज बताई हैं, इससे हटके भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, बस आपने अपना माइंड थोड़ा सा यूज़ करना है कि टेक्निकल इंडस्ट्री में कौन कौन से ऐसी माइक्रो निशेज हैं, कौन कौन से ऐसी माइक्रो निशेज आती हैं, वो आप गूगल पे सर्च करके गूगल से भी पूछ सकते हैं, डिफरेंट ब्लॉग्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं, आपको वहाँ से भी आइडिया जो वो मिल जाएगा। तो मेरा काम है आप लोगों तक सारे के सारे चीज़ें पहुँचाना, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इनको किस तरह से लेकर चलते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह निगहबान।